यह है मेनेस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मेनेस न्यूज टीवी। मैं हूं आपकी सर सोनल। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। कांग्रेस का प्लेन होगा क्रैश या पायलट भरेंगे उड़ान। राजस्थान में आज बड़ा घमासान। राजस्थान कांग्रेस में मची कुर्सी की लड़ाई अब नए मोड़ पर आ गई है। मंगलवार यानी 11 अप्रैल को कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस हाईकमान ने पायलट को इस कदम पर चेताया है। कांग्रेस ने पायलट के अनशन को पार्टी हितों के खिलाफ और पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया है। बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। वहीं गहलोत और पायलट में काफी लंबे समय से सियासी खींचतान चल रही है। पायलट का कहना है कि गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के उन मुद्दों पर कोई एक्शन नहीं लिया जिनको उठाकर कांग्रेस ने राज्य की सत्ता हासिल की थी। इसको लेकर पायलट आज जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठेंगे। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता को कोई औपचारिक निमंत्रण तो नहीं भेजा है, किंतु माना जा रहा है कि उनके समर्थक इसमें शामिल होंगे। लिहाजा कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के प्रयास में जुटी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने सोमवार यानी 10 अप्रैल रात एक बयान जारी किया है। इस बयान में रंधावा ने कहा है कि पायलट को इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर चर्चा करनी चाहिए थी। उनका इस प्रकार अनशन करना कांग्रेस हितों के विरुद्ध है। रंधावा ने आगे कहा कि सचिन पायलट मंगलवार को पूरे दिन का अनशन करने वाले हैं। उनका यह अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है और ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। यदि अपनी ही सरकार से उन्हें कोई समस्या है तो मीडिया और जनता की जगह पार्टी के प्लेटफॉर्म पर चर्चा की जा सकती है। मैं 5 माह से राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी हूँ, मगर पायलट ने इस मुद्दे पर मुझसे बात नहीं की। मैं उनके संपर्क में हूँ और अभी भी उनसे बातचीत का अनुरोध करता हूँ। वह निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है। इसके अलावा एक अन्य बयान में रंधावा ने कहा है कि उन्होंने पायलट के साथ फोन पर बात की है। साथ ही इस प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन करने की जगह पार्टी के मंचों पर मामलों को उठाने को कहा है। रंधावा ने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सचिन पायलट जिन दो पत्रों का दावा कर रहे हैं उनके संबंध में कभी जिक्र ही नहीं किया गया। बता दें कि राजस्थान में जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी तभी से गहलोत और पायलट में खींचतान चल रही है। पायलट समर्थक युवा होने का हवाला देते हुए उन्हें पायलट को सीएम बनाने की मांग करते रहते हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत को गद्दी सौंपी थी और टकराव से बचने के लिए पायलट को डिप्टी सीएम बना दिया था, लेकिन फिर दोनों में विवाद हुआ और पायलट से डिप्टी सीएम पद छीन लिया गया। अब भी पायलट समर्थक नहीं मांग कर रहे हैं कि गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब पायलट को मौका दिया जाए। वहीं चुनाव के एकदम नजदीक आने पर पायलट द्वारा किए जा रहे अनशन से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर 5 साल बाद ही पायलट को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की याद क्यों आई। क्या ये पायलट का कोई सियासी दाव है जो राजस्थान की राजनीति में उलटफेर कर सकता है। बहरहाल इन सवालों के जवाब तो वक्त आने पर ही मिलेंगे, लेकिन पायलट के इस कदम ने गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के इस नेता को बताया सीएम पद का दावेदार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने वाली है। ऐसे में राजनीति की चुनावी मैदान तैयार करना तथा चुनावी गर्माहट के लिए बयान देना सामान्य बात है। ऐसा ही बयान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी ने विदिशा में मीडिया से चर्चा करते हुए दिया है। दिग्विजय सिंह जी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सीएम कमलनाथ ही होंगे। इस बयान के साथ ही दिग्विजय सिंह ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें कांग्रेस के अंदर कई नेताओं को सीएम का चेहरा माना जा रहा था। दरअसल सोमवार को दिग्विजय सिंह विदिशा जिले की शमशाबाद एवं पूर्वाई विधानसभा पहुंचे थे। वहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार केवल कमलनाथ ही है। कमलनाथ ही मध्य
प्रदेश में सीएम फेस है दिग्विजय सिंह ने दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कुल 116 सीटें चाहिए, वे इससे ज्यादा ही लेकर आएंगे तथा पूर्ण बहुमत से कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। आपको बता दें कि भाजपा कांग्रेस के अंदर अलग अलग गुट होने का आरोप लगाकर लंबे वक्त से कांग्रेस पर हमला करती रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी उजागर, अखिलेश यादव का वीडियो देख लहालोट हुआ सोशल मीडिया। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अक्सर सड़कों बीच चौराहों पर आवारा पशुओं की फाइट के वीडियो अपने ट्विटर हैंडल में से साझा करते रहते हैं। एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने बीच चौराहे दो अंडों की लड़ाई का वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि सुना तो ये था कि आवारा पशुओं की समस्या के लिए आईएएस नियुक्त किए गए हैं, क्या ये भी जुमला था। दरअसल आवारा पशुओं की समस्या को लेकर अखिलेश यादव आए दिन योगी सरकार पर हमला करते रहते हैं, कभी आवारा पशुओं से किसानों के नुकसान को लेकर तो कभी आवारा पशुओं की वजह से सड़कों पर हो रहे हादसों को लेकर। अखिलेश यादव का कहना है राज्य सरकार आवारा पशुओं को गौशालाओं में शिफ्ट करने के बड़े बड़े दावे करती है मगर ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अखिलेश यादव का कहना है कि आवारा पशु या तो सड़कों पर झुंड में घूमते मिल जाएंगे या तो किसानों की फसल बर्बाद करते नजर आएंगे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।